Hello everyone and welcome back yet again to my channel. I am Sonam Jain. I'm a mom blogger, a parenting coach and a food artist. And here I am today talking about one important topic called gagging. Yes, gagging kya hoti hai? Gagging kyun hota hai? Choking aur gagging mein kya difference hai? Ye sab kuch main cover karne wali hu ye video mein. और ये मेरा फेज 3 है ऑफ बेबी लेड फीडिंग वाला वीडियो का, वेयर आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स हम डर जाते हैं जब बच्चा खांसने लगता है, हमें लगता है कि वो चोक कर रहा है हालांकि वो गैग कर रहा होता है. तो यही सारी क्लैरिटी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. बेसिकली हम जब चालू करते हैं फीड करने के लिए, तो स्पेसिफिकली जब बेबी लेड वीनिंग वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी गैग करते हैं. लाइक 6 मंथ से ही उनका गैगिंग चालू हो जाता है. और सिंपल रीज़न ये होता है कि वो खाना एक्चुअली बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, वो स्वॉलो नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ क्रिटिकल, क्योंकि उनका ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो चूइंग मूवमेंट सीखना होता है, फिर मुझे गल्प करना होता है, वो ईजिली नहीं आता है. वो एक रिफ्लेक्स है और वो रिफ्लेक्स को बाहर खाना पुश करते हैं. सो ये एक तरीके का रिफ्लेक्स है, उनका सेल्फ मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, कि अगर उनको एक बॉडी को ऐसा लगे कि कुछ थ्रेट इज़ अ रॉन्ग वर्ड बट देन स्टिल थ्रेट है, तो वो एक सर्टन रिफ्लेक्स करते हैं. जैसे कि हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, एडल्ट के रिफ्लेक्सेस होते हैं कि कुछ ऐसे आँख में आए एंड हम पलक झपक देते हैं या आँख पीछे कर लेते, तो वो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है, राइट, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है. सिमिलरली अगर बच्चों को ऐसे हाथ दे दो स्मॉल बेबीज का और आप उनके हाथ में ऐसे फिंगर रख दो, वो ऐसे बंद कर देंगे. सो वो एक रिफ्लेक्स है और ये रिफ्लेक्सेस बड़े नेचुरल होते हैं बच्चों में. एंड गैगिंग इज़ वन ऑफ द रिफ्लेक्स कि जब उन्हें नहीं फॉलो किया जाता है चीज़, तो वो उसे बाहर निकालते हैं और उसे गैगिंग कहते हैं. सो बेसिकली गैगिंग होती क्यों है, क्या होता है व्हेन द किड इज़ बिलो 6 मंथ्स, प्रैक्टिकली द किड इज़ नॉट रेडी कि वो खाना खाए, तो उसका जो टंग थ्रस्ट होता है दैट डज नॉट, इट इज़ ओनली केपेबल कि वो सिर्फ लिक्विड स्वॉलो करें, ना कि सॉलिड. एंड अगर कुछ भी आप उसके उनके लिप्स में रख दो या कुछ भी करो, वो जनरली ऐसे करते रहते हैं. एंड दैट मीन्स दैट ट्राइंग टू, दे आर नॉट टेकिंग इट, दे आर जस्ट टेस्टिंग वेदर दे आर रेडी टू ईट इट और नॉट, एंड दे जनरली पुश इट आउट. अगर उनके मुँह में जाता है वो बाहर निकाल देंगे. एज आप प्रोग्रेस करते हो, जैसे अगर आप प्यूरी से चालू करते हो तो शायद इतना गैगिंग ना हो, क्योंकि एक लिक्विड टू सेमी प्यूरी इज़ फाइन, तो भी काफ़ी बच्चों को होती है. लेकिन अगर आप मिन स्ट्रक्चर्स और पीसेस वाले स्ट्रक्चर में प्रोग्रेस करते हो, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बच्चे गैग करना चालू करते हैं. और वो क्यों करते हैं, बिकॉज उनका जो टंग थ्रस्ट होता है वो इवेंचुअली, पहले तो डिमिनिशिंग यहाँ से चालू होती है आगे के पार्ट से, देन 1/4 पार्ट ऑफ द माउथ होता है जहाँ पे वो चू कर रहे होते कर रहे होते कर रहे होते और निकाल देंगे. काफ़ी बच्चे आप देखोगे ऐसे कि चू कर रहे हैं कर रहे कर रहे और निकाल रहे हैं. एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज दे आर डेवलपिंग, वो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं कि वो चू करके अंदर लेके जाए जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है. फिर वो 1/4 माउथ से थोड़ा हाफ माउथ, देन 3/4 माउथ एंड टिल ईयर. टिल ईयर व्हेन इट कम्स, दैट इज़ व्हेन यू नो हमें लगता है कि वो चोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं. दे आर लर्निंग, दे आर डेवलपिंग कि चू करो और अंदर लेके आओ. तो उनकी टंग थ्रस्ट लूज होनी चाहिए एंड सो दे शुड बी एबल टू डू जो एक एडल्ट कर सकता है इवेंचुअली, दे शुड बी एबल टू स्टार्ट दैट टाइम. तो गैगिंग करना बहुत ही नॉर्मल है, इट किड इज़ नॉट एबल टू टेक इट इनसाइड, वो ऑब्वियसली बाहर फेंकेगा. लेकिन काफ़ी टाइम होता है वो खा रहा है खा रहा है खा रहा है एंड अचानक करके वो बाहर फेंक रहा है. अब हमें लगता है कि वो चोक कर रहा है ना कि गैग कर रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है. जब एक बच्चा गैग कर रहा होगा दैट इज़ द टाइम यू शुड बी ओके, मतलब आपको डरना नहीं है उस टाइम पे बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल एज आई सेड. तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है,
तो जब एक बच्चा गैग कर रहा होता है ही विल मेक लॉट ऑफ नॉइजेस, बहुत नॉइजेस होगा क्योंकि वो खाना कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहा होगा जो अंदर जा रहा है. सो दैट बी लॉट ऑफ नॉइजेस. लेकिन अगर बच्चा चुक कर रहा है तो बच्चा नॉइज़ नहीं कर पाएगा, वो खाना अटका हुआ है उससे वो होगा ही नहीं, आवाज़ निकालना होगा ही नहीं. इमेजिन आपका खाना अटका हुआ है तो आप आवाज़ कैसे निकालोगे, तो वो होगा ही नहीं. अच्छा, जब एक बच्चा गैग कर रहा है वो ऐसे क्योंकि लाल हो सकता है, यू नो कैन टर्न रेड, ही ट्राइंग समथिंग, ही ट्राइंग टू पुश इट आउट, तो वो रेड हो सकता है. बट अगर आप चोक हो रहे, एक बेबी चोक हो रहा है, ही विल नॉट टर्न रेड, ही विल टर्न ब्लू बिकॉज ही इज अनएबल टू डू एनी थिंग, ही इज नॉट एबल टू पुश इट आउट, ही इज नॉट एबल टू टेक इट इन, तो वो ब्लू हो जाएगा. सो ये एक मेजर डिफरेंस, दो चीज़ें हैं जो मेजर डिफरेंस है. तीसरी ये है जो ब्रीदिंग पैटर्न हो रही है, जब एक बच्चा गैग कर रहा होगा तो एक ब्रीदिंग पैटर्न चल रही होगी, राइट. बट जब एक बच्चा चोक कर रहा है उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है, इट इज़ नॉट द सेम. उसकी ब्रीदिंग हैवी हो जाती, इसकी ब्रीदिंग वैसे हैवी हो जाती है बिकॉज ही ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू डू समथिंग, तो दैट इज़ वाई द ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है. तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन गैगिंग एंड चोकिंग. बहुत रेयर होता है कि बच्चा चोक करता है, ऑब्वियसली करता है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पैनिक होना है और कहाँ पैनिक नहीं होना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैनिक नहीं होंगे अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाते हैं. अब और एक चीज़ है इसमें, कफिंग. कहाँ पता चले बेबी गैग कफ और चोकिंग में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पता चले? अगर बच्चा कफ कर रहा है या कफ करने को पार्शियल कफिंग कर रहा है या पूरा कफ कर रहा है, जनरली इट इज़ गैगिंग. रीज़न बीइंग वो अपने आप वर्कआउट करने की एक सोल्यूशन वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. अगर बच्चा कफ नहीं कर पा रहा है और हाथ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है और हाथ ऐसे है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ चोकिंग अगेन एंड दैट इज़ वेयर फर्स्ट एड प्रोसीजर जो भी होता है, CPR टेक्निक जो होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो चोकिंग के प्रोसेस है वो फॉलो करने पड़ेंगे. एक मेजर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो मैं कहूँगी डूज एंड डोंट एज अ पेरेंट आपको करना है वाइल द किड इज़ गैगिंग इज दिस. अगर बच्चा गैग कर रहा है प्लीज़ इंटरवीन मत कीजिए, हड़बड़ा मत दीजिए. आप बच्चे को भी डरा देंगे एंड आप क्योंकि आप खुद डरे हुए तो आप ऑटोमेटिकली वो बच्चे को डरा देंगे. लेट द किड फाइंड अ सोल्यूशन बाय इटसेल्फ. बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, गैगिंग से जो एयर पैसेज होता है वो क्लियर होता है, राइट. चोकिंग में अटक गया होता है बट व्हेन इट कम्स टू गैगिंग, क्योंकि बच्चा खाना एक्चुअली बाहर फेंक रहा है, तो वो बेसिकली एयर पैसेज, सॉरी नॉट एयर पैसेज, फूड पैसेज जो है बेसिकली वो अपना खुद ही क्लियर कर रहा है. एक एग्जाम्पल के तौर पे ये स्ट्रॉ दिख रहा है आपका, ये स्ट्रॉ का जितना होल होता है ना उतना वो फूड पाइप होता है एक नॉर्मल बेबी का. सो आप ऐसे स्ट्रक ऐसे खाना या ऐसे पीसेस मत दीजिए जो इसके अंदर अटक जाए. फॉर एग्जाम्पल कॉर्न बहुत ईजिली इसके अंदर अटक जाएगा, पीस वो भी अटक जाएगा. तो अगर आप ऐसा खाना दे रहे हैं तो उसको या तो मैश करके दीजिए, लाइक कॉर्न एंड पीस आप उनको मैश कर दे सकते हो तो अटकने की चांसेस कम हो जाते हैं, या तो आप उनको बड़े पीसेस दे सकते हो जैसे एप्पल का एक स्लाइस दे दिया तो देन दिया हाथ में लेके वो च्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जा रहा है थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये आपको एज अ पेरेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा कि कितने साइजेस के आप पीसेस दे सकते हैं उनको. सो जैसे छोटे छोटे पीसेस हो आपको अवॉइड करना पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टांसेस. अगर आप दे रहे हैं छोटे पीसेस तो आप उनको मैश करके दे सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द वे यू कैन अवॉइड चोकिंग ऑल टूगेदर एंड इस हिसाब से यू विल ऑल्सो अलाउ योर चाइल्ड ऑल्सो टू प्रोग्रेस एंड एक्सेप्ट मोर फूड. तो ये एक थोड़े ये दो डूज एंड डोंट्स थे जो आपको एज अ पेरेंट फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल योर किड इज गैगिंग.
So just to sum up, gagging is okay, it is natural, it is a reflex that babies are born with, and आप कैसे handle करते हैं इन reflexes को बहुत matter करता है. So thank you once again. I hope ये video आपके लिए कुछ insights लेकर आया होगा, and you know what is right and wrong now, and अगर कुछ और भी आपको पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ डू कमेंट और प्लीज़ डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, दैट इज़ द मैजिक प्लैटर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू.